अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है तमिल, लेकिन पता चल ही गया होगा वैसे किसके ऊपर बेस्ड है। अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, मैंने सोचा कि एक ऑडियंस को वीडियो दे देता हूँ इसके रिलेटेड। आई विश यू हैप्पी ईद उल अदा टू ऑल ऑफ यू। बकरीद के सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। एंड अच्छे रहना, हमेशा हैप्पी रहना, खुश रहना, अपनी फैमिली के साथ रहना, तो जो भी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सिचुएशन भी सही नहीं है अपने हिसाब से देखा जाए तो घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो यही बताना चाहता था। तो एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे मॉर्निंग में कॉल किया, एक वीडियो तो बना के दे दो कम से कम। तो मैंने ये सोचा कि हाँ यार, डैड तो बोल ही रहे, अपनी ऑडियंस को भी मैं दिखा दूंगा जो भी है। अभी मैं फ़िलहाल तो अपने रूम में ही हूँ, आई मीन जहाँ रहता हूँ मैं उस पर हूँ। एक्चुअली मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, छत पर रेंट पे रहता हूँ यार, ज़्यादा वो नहीं है। तो ये मेरी छत है, देख सकते हो पूरी तरीके से। तो अभी मैं सोचा कि वीडियो ही बना देता हूँ इसके ऊपर। तो ये वीडियो ज़्यादा कुछ ना ब्लॉगिंग है ना ट्रैवल के ऊपर है, खाली आपको विश करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, स्पेशली फॉर विशेस टू यू, विशेस टू ऑल ऑफ यू। एंड तो अगर वीडियो पसंद आए ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आप देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। एक ऑडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यू यूट्यूबर के ऑडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, अगर न्यू यूट्यूबर खुद को, ठीक है। तो यही था इसका वीडियो, आज का जो वीडियो है इसमें यही था। तो अगली वीडियो में ज़रूर आएंगे, अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है। अब तो वीडियो आने लगी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं हैदराबाद में था इतना फोकस नहीं कर पाया अपने चैनल के ऊपर, तो हफ्ते में दो वीडियो तो मैं डाल ही देता हूँ जैसे भी। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि यार एक ऑडियंस होना चाहिए। अगर आपको फॉलोअर्स इतना बढ़ेगा, अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है ना एक वीडियो में, बहुत खुशी होती है। अगर आप न्यू क्रिएटर आप समझ सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन अगर आपको व्यूज़ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप यू नो डीमोटिवेट हो जा रहे हो, इट डज नॉट मीन टू यू नो गिव अप। आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है। डोंट गिव अप इन योर लाइफ, डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। एक दिन सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी भाई। आपके पास पैशन नहीं है तो आप यूट्यूब पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। अगर आपके पास पैशन है, ईजिली यू कैन डू इट। तुम जो भी अगर वीडियो डालो, कुछ भी डालो, तुम सोचते रहोगे ना यार व्यूज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, या ऑडियंस नहीं बन रहा, सब्सक्राइबर नहीं बन रहा, इट्स डज नॉट मैटर। यू नो किसी ना किसी दिन तो ऐसा होगा, तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आप न्यू क्रिएटर हो, इसके लिए ये मैंने बता दिया, ये जो बात थी। मैं न्यू जो क्रिएटर है यूट्यूब पे आना चाहते हैं, न्यू क्रिएटर अगर जिन्होंने यूट्यूब नया चैनल क्रिएट किया है उसके लिए, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले कुछ बता देता हूँ, ईद की फिर से मैं एक बार बोल देता, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, ईद उल अदा की, बकरीद की, सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।